तो दोस्तों ओप्पो का एक और नया स्मार्टफोन आ गया है, ओप्पो रेनो 8T 5G। एंड यह स्मार्टफोन काफी कमाल के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करेंगे इस स्मार्टफोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन की, साथ में बताऊंगा कि इस फोन की सेल कब है एंड यह फोन कितने में मिलने वाला है। तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो यहाँ पर स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन की थिकनेस 7.7 mm है और इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल का डिजाइन है। बात करें फोन की वेट की तो 171 grams इस स्मार्टफोन का वेट होने वाला है। एंड ये फोन दो कलर में अवेलेबल है, गोल्ड एंड ब्लैक। बाकी फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.7 inch का FHD+ OLED कर्व्ड AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी कमाल का होने वाला है, 3D फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले है। साथ ही में यहाँ पर 120Hz रेट की अल्ट्रा हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर 360Hz रेट का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। 500 निट्स की ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन के अंदर। 1 बिलियन कलर, HDR का सपोर्ट और ऐसे ही कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस फोन के कैमरे की बात करें तो काफी कमाल का कैमरा होने वाला है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोज खींच के देगा। 40x माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। तो काफी कमाल का फोन का कैमरा होने वाला है प्राइमरी, प्लस यहाँ पर AI पोर्ट्रेट वीडियो मोड, HDR का सपोर्ट, कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट पंचुअल होल रियल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा एंड HDR सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, काफी कमाल का फोटोस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा। बात करें फोन के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर कोलकम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6 nm में फैला हुआ होगा। एंड इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर काफी कमाल का होने वाला है, ठीक ठाक गेमिंग कर पाओगे, कोई भी लैग या फिर इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी ये स्मार्टफोन कलर OS 13 पे बेस्ड है एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे देखने को मिलने वाला है ये स्मार्टफोन। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4800 mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पर 67V का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। एंड इस फोन का बैटरी काफ़ी पावरफुल होने वाला है क्योंकि इस फोन की बैटरी 0 to 100% 44 मिनट में चार्ज कर देगी एंड फुल डे चार्ज 15 मिनट में भी कर सकती है। बाकी यहाँ रैम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 8GB रैम प्लस 8GB का वर्चुअल रैम स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 16GB तक का रैम स्टोरेज देखने को मिलेगा एंड 1TB तक एक्सपांड कर पाओगे इस फोन की इंटरनल स्टोरेज। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, टाइप सी पोर्ट, UFS 2.2 का रैम स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऐसे ही कई सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की सेल एंड प्राइस को लेकर। प्राइस की बात करें तो यह स्मार्टफोन 29,999 रुपीस में यह स्मार्टफोन अवेलेबल है और इस फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और अगर आप इस फोन को सेल में परचेस करते हो तो आपको 26,999 रुपीस में यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सारे कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और भी अपकमिंग स्मार्टफोन के न्यूज एंड फीचर्स एंड कई सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।